जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू डे, वेलकम टू अ न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज की मेरी वीडियो है, जैसे आपको टाइटल देके पता चल गया होगा, इसमें मैं आपको बताऊंगी कुछ वेबसाइट्स जिनके जरिए आप रिमोट बेस्ड काम कर सकते हैं अदर देन फाइवर एंड अपवर्क। हमने ज़्यादातर यही सुना होता है कि फाइवर या अपवर्क के ऊपर काम मिलता है, तो इसके अलावा अगर आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा है या आप वहाँ पर काम कर चुके हैं, इसके अलावा आप काम करना चाहते हैं, तो कुछ वेबसाइट्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद भी साबित होंगी। इन पे काम करके आप मंथली अर्न कर सकते हैं और सर्विसेज अपनी, डिफरेंट सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट आवर वीडियो, आप मेरा जाके चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जो रिमोट बेस्ड जॉब ढूंढ रहे हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। आपने सुना ही होगा, इससे आपको सुन के ये भी पता चल चुका होगा कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देती हूँ कि मतलब आप कहीं पे भी बैठे हुए हैं, आप किसी भी मुल्क में हैं, किसी भी शहर पे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप बैठ के अपना काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, नेपाल से, बांग्लादेश से, सऊदी अरब से, यहाँ के ज़्यादातर लोग मुझे देखते हैं, तो अगर आप यहाँ के भी हैं और यहाँ पे आप आना चाहते हैं, तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, आप यहाँ पे नहीं आ पा रहे यूएई में, लेकिन आप कोई ना कोई काम करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये वो साइट्स हैं जिन पे आप बैठ के अपना स्किल बेच सकते हैं, अपना हुनर बेच सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो चलें जी मैं आपको बताती हूँ वो कौन कौन सी साइट्स हैं। बस इसका फ़ायदा ये है कि आप कहीं पे भी बैठ के काम कर सकते हैं, कोई भी आपके पास एक्सपर्टीज है, आप अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान आपको यही है कि बस जो बेनिफिट्स वगैरह, जो पर्क्स वगैरह, वो आपको नहीं मिलते। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं रिमोट जॉब के, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बहुत बेहतर होता है। अगर आपके पास कुछ जॉब नहीं मिल रही या आपके पास स्किल है, तो आप उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे अपनी सर्विसेज बेच सकते हैं। मैं आपको वो 10 वेबसाइट्स बताती हूँ, आप मेरी स्क्रीन पे देखते जाएं, आपको पता चलता जाएगा कि कौन कौन सी वेबसाइट्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ। इनका मैं लिंक भी साथ लगा दूंगी कमेंट सेक्शन में। और चलें जी आ जाए मेरी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले नंबर पर जो वेबसाइट आ जाती है वो आ जाती है flexjobs.com। दूसरे नंबर पे जो वेबसाइट आ जाती है वो है whoishiring.io। थर्ड नंबर पे remotely.jobs। फोर्थ नंबर पे weworkremotely.com। फिफ्थ पे remotive.com। सिक्स्थ पे justremote.co। सेवन्थ पे wellfound.com। एट पे remoteok.com। नाइन्थ पे thehiredai.vip एंड द लास्ट वन इज linkedin.com। ये हो गई वेबसाइट्स। अब डिस्कस कर लेते हैं रिक्वायरमेंट्स, जो रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर है इन वेबसाइट पे काम करने के लिए। उसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाता है कि आपके पास अच्छा इंटरनेट और अच्छा सिस्टम होना लाजमी है। दूसरे नंबर पे जो रिक्वायरमेंट आ जाती है वो आ जाती है आपके पास एक प्रोफेशनल CV होना लाजमी है। अगर आपने मेरी CV की वीडियो नहीं देखी तो वो जाके चेक कर लें और अपनी CV बना लें। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इतनी मेहनत नहीं कर सकते, वैसे तो आपको करनी चाहिए क्योंकि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उस मेहनत का फल भी मिलेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इतना आप प्रोफेशनल नहीं जाना चाहते, आप थोड़ा सा अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यूज़ करना चाहते हैं, तो आप canva.com पे जाके आप डिफरेंट टेम्पलेट्स को यूज़ करके अपनी CV बना सकते हैं। अब यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि हमारे पास कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है या हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हम फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, तो उनके लिए मैं रिकमेंड करूँगी वो डिफरेंट कोर्सेज कर लें यूडेमी से या फिर यूट्यूब पे, क्योंकि यूट्यूब तो बिल्कुल भरा पड़ा है डिफरेंट कोर्सेज से, तो वहाँ पे आप कोर्सेज करके डिफरेंट स्किल्स ले सकते हैं और अपनी फ्री की सर्विसेज प्रोवाइड करके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, जब आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा तो आप उसको अपनी CV में ऐड कर दें। CV आपने control C और control V करके इन सारे पोर्टल्स के ऊपर अपनी CV डाल देनी है, मतलब आपने अपनी एग्जिस्टेंस हर वेबसाइट पर बना देनी है। कैनवा नहीं तो MS Word पे आप अपनी सिंपल सी CV बना के अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि आपको पे कैसे किया जाए, क्लाइंट आपको इन वेबसाइट्स पे कैसे करेगा। डिफरेंट पेमेंट मेथड्स होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं जिनको आप यूटिलाइज करके अपना पेमेंट मेथड इंटीग्रेट कर सकते हैं इन वेबसाइट के जरिए,
और वहाँ से अपने क्लाइंट से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। ये थी वो 10 वेबसाइट्स जिनके ऊपर आप रिमोट बेस्ड काम कर सकते हैं और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।